पंजाब से हैं अमृत कौर जी, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल मैम। जय हिंद, सिंह स्वागत, सामनू सत श्री अकाल जी। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत पंजाब वालों। श्याम हाँ जी, धन्यवाद जी, थोड़ा बहुत प्रोग्राम देख रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत लोगों का भला कर दूँ जी, बहुत शुक्रिया मैम। मैनू गोड्या की प्रॉब्लम है जी, मैनू मैं गाउन सी खा रही जी, काला गाउन वो 3 महीने में खा लिया जी, 3 महीने का दबारे मेरे 2-3 सवाल ने जी, पहला मेरा कट गया जी, फोन तो मेरा लग जाता जी, कट जाता है बहुत बारी। अच्छा, कुछ फायदा शुरू हुआ आपको? हाँ हाँ जी हाँ, मैनू थोड़ा थोड़ा फायदा है जी, 3 महीने मैं खा लिया जी, 3 महीने ने मैं दबारे मंगा लिया जी। हुण शुक्रिया। एक मेरे पेट नू फ्रेम आउंदा जी, गैस भरदी है, थोड़ी थोड़ी कब्ज दी शिकायत भी रहिंदी है जी। एक मेरी दोती है जी 8 साल दी, वो साफ नहीं बोलदी जी, साफ नहीं बोलती, 2 साल कई अक्षरां दे तां बोलदी है जी, अपने अक्षर हुंदे ने जी, कई जी अक्षरां दे जी साफ बोलदी है, कई अक्षरां दे जमे नहीं बोलदी साफ। अमृत जी 18 साल की है क्या? ना 8 साल दी है जी। 8 साल, हाँ जी आठ हाँ, अठ साल की साल की है, है जी। ठीक है। एक मेनू धड़कना और मेरे ब्लड वजदा जी। समझ गए। नहीं हकीम साहब, एक बार दोबारा बोलिए मैम। धड़कन वजदी है जी मेरी, एक मेनू ब्लड ब्लड वजदा जी मेरा, ब्लड, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं हाँ जी ठीक है ठीक है जी। ठीक है ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं आपका? मैम और तो कोई ब्लड सवाल? वादा है जी, एक धड़कन वादी है जी मेरी, वादी है जी उदा। अच्छा ठीक है, धड़कन बढ़ती है जी। हाँ, देखिए, धड़कन यानी पल्स बढ़ जाना भी एक बीमारी है। और अगर हमारा खून ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के लिहाज से पतला हो तो हमारा दिल बड़ा अच्छा रहता है, धड़कनें भी कंट्रोल में रहती हैं। अगर ब्लड में चर्बी है यानी कोलेस्ट्रॉल है, गाढ़ा है खून, तो नमक, जैतून और खाने का सोडा एक एक चुटकी दिन में 2 बार खाएं पानी में मिलाकर, तो इससे आपका अगर वज़न बढ़ा हुआ है वो भी कम होता है। ऐसे 3-4 किलो वज़न कम होता है हर महीने। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा खाएं, और खून से चर्बी निकलती है, दिल की धड़कन कंट्रोल होती है और हार्ट ब्लॉकेज होता है उसको भी फायदा होता है। तो पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी ख़त्म होती है, कब्ज़ भी टूट जाता है। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, और गौन से आप खा ही रहे, आधा आधा ग्राम खाना होता है दिन में 2 बार, आपको फ़ायदा शुरू हो गया है। बहुत जल्द आपको पूरा फ़ायदा मुमकिन है। तो पंजाब वालों, आप लोग बहुत मेहनती होते हो, और वज़न कंट्रोल करें और मेहनत कम करें, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। बच्ची साफ नहीं बोलती, 8 साल की है। हाँ, देखिए, ये जो बादाम का तेल अच्छे किस्म का 2 चम्मच रोज़ाना दूध में मिला के उन्हें पिला दिया करें, खाने का अच्छा मीठा तेल, रोगन बादाम शीरी, मीठे बादाम का तेल 2 चम्मच उनके दूध में या सब्जी सालन में मिलाकर इसका तेल पिलाया करें, बच्ची को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। इनको कब्ज की शिकायत है, गैस बनती है। हाँ, कब्ज़ का मैंने जवाब दे दिया कि आप नमक जैतून और खाने का सोडा इस्तेमाल करें, आपके पेट, गैस, कब्ज़ और बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलना मुमकिन है। तो अमृत मैम, आपकी जितनी बात हमें समझ में आ पाई, हमने सभी के जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं। मैम कोई सवाल अगर आपका रह गया है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। कोशिश यही रही है कि आपको सभी नुस्खे बता दिए गए हैं। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल भी कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो 24 आवर्स आप कभी भी, यानी कि आप कभी भी, जब भी आपकी इच्छा होती है, आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, कोई भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं सतीश कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, जी सर, बताइए, सवाल करिए।
यहाँ से यूपी से जी। मुझे स्किन में दिक्कत है, मेरे हाथों में सूजन है और चमड़ी खराब होगी। एज कितनी है आपकी? मेरी एज है जी 48 वर्ष। ठीक है सर जी। हाँ देखिए, एक नुस्खा तो है आपकी स्किन के लिए और चमड़ी की खराबी के लिए, आप बना लें वो और इस्तेमाल करें 3-4 महीने लगातार। अलसी तो यूपी वाले जानते ही हैं अलसी क्या होती है। अलसी खरीद लें तो 400 ग्राम अलसी, और क्योंकि उसमें कंकर पत्थर भी मिले होते हैं बारीक बारीक, तो उन्हें साफ़ करके अलसी 300-400 ग्राम खरीद कर और हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं। अब ये अलसी आपको 1 चम्मच खाना है सुबह खाली पेट, और 1 या 2 गिलास पानी लें, उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा, जो आपके किचन में मीठा सोडा कहलाता है, 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून। नमक जैतून असली नहीं, ये नकली बहुत मिलता है। खाने का सोडा और अलसी तो आप आसानी से असली ले सकते हैं, लेकिन नमक जैतून नकली बहुत मिलता है। ये वो नमक है जो संसार में नमकीन नहीं होता और दिखने में नमक जैसा लगता है। ये 100 ग्राम खरीद लें, 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, 1 गिलास या 2 गिलास, और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। इस पानी से 1 चम्मच अलसी खा लिया करें रोज़ाना 1 बार या 2 बार, खाने से पहले, बाद में भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, या आप लगातार 3-4 महीने इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं मैम? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, जिंदाबाद। खैरियत है हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आप सब ठीक है हकीम साहब? सब खैर है, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है बस, अब आपके नुस्खे ले रहे हैं तो इंशाल्लाह ठीक ही हो जाएंगे। साहब हमें ये जानना था कि जैसे आप गुलर का फूल सुनते दिल के लिए बहुत फायदेमंद का होता है, तो उसको कैसे यूज किया जाता है, तो हमें ये जानना था, ये आप बेहतर बता सकते हैं उसको कैसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज हमें ये जानना था कि चुकंदर की तासीर क्या होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है? और तीसरा सवाल मेरा एक और मेरा ये, जैसे मेरी मेरी सिस्टर है, उनके सीधे हाथ में जहाँ पे घड़ी का डायल होता है उस जगह की हड्डी उठी हुई है, अल्लाह जाने वो गोश उठा है ये नहीं पता। जैसे डॉक्टरों को दिखा है तो वो कहते हैं कि हड्डी है, मतलब वो है और इंजेक्शन लगेगा ठीक हो जाएगी, लेकिन एक तो इंजेक्शन भी इन्होंने लगवाए हैं, दूसरे तो उससे थोड़ी सी राहत हुई थी, फिर वो वैसे उसी जगह पे आ गई, वो दर्द वगैरह कुछ नहीं करती है, लेकिन वो है क्या चीज, ठीक हो जाएगी नहीं? अगर आप उसके बारे में जानते हो तो प्लीज उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सीधे हाथ में अच्छी खासी आधा इंच के बराबर उठी हुई है तो खराब लगती है देखने में, दर्द वगैरह कुछ नहीं होती है लेकिन देखने में खराब लगती, जो देखता है वो टोकता है कि ये क्या है, तो ये चीज जानना थी। ठीक है मैम जी। देखिए वो डॉक्टर का कोर्स भी अगर पूरा कर ले तो शायद वो अच्छी हो जाए, अगर उससे फ़ायदा हुआ था तो फिर हो सकता है, तो पूरा कोर्स भी कर सकते हैं डॉक्टर के मुताबिक। और एक ये भी इलाज है यूनानी में कि एक रोटी बनाएं ऐसी मोटी सी जो ज़्यादा सेके नहीं, और वो रोटी गरम गरम इस पर बांधिए, इतनी गरम जितनी बर्दाश्त कर सके, लेप बना लें एक हल्दी का लेप सा बना के वो यहाँ पर बांध कर और गरम गरम रोटी इस पर रख कर बांध दें, रात भर बंधने दें इसे। ऐसा आप हफ्ते भर करके देख लें, अगर वो बैठ गई तो बहुत अच्छा है। ये तो उनका सवाल। और ये जो चुकंदर है इसकी तासीर गरम है और इसको खून बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,
जिनमें खून की कमी हो, और दस्तावर भी है, यानी ज़्यादा इस्तेमाल से इसको पेट भी साफ होने लगता है। और जब भी इसे इस्तेमाल करें, याद रखें कि इसका अगर 1 गिलास जूस पी लिया जाए तो हमें पेशाब और लेट्रिन दोनों सुर्ख रंग के आने लगते हैं, तो घबराया नहीं जाए उससे, बल्कि अपने कोर्स पूरा करें। कम ज़्यादा करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुलर गूलर के ये फल, गूलर एक फल है, फूल भी हैं इसके, तो ये काबिज़ बहुत होते हैं, कब्ज़ बहुत करते हैं। जब भी इन्हें इस्तेमाल करें, तो किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल करें, मैं अक्सर इसमें इसके पत्ते या गूलर इस्तेमाल कराता हूँ पथरी के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ लें जिससे आपका हाजमा अच्छा रहे, हजम होने वाली चीज़ भी कोई खा लें, जैसे सौंफ खा लें, धनिया खा लें, या कोई भी दवा ले लें, तब ये आपको पूरा फायदा पहुंचा सकते हैं। जी। कर्नाटक से हैं सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम सलमा। सर मेरे दो सवाल हैं। जी मुझे तो अभी, हाँ सर, मैं तो बार बार कॉल कर रही थी सर, तुम ना पहले, लेकिन थोड़ा अभी आराम है सर, मैं कॉल नहीं करी थी इतने दिन है। लेकिन मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हुई सर, वो उसकी, हाँ उसे मैं तो पानी डाल रही हूँ 3 टाइम, तो पानी की तो कम है सर। उसके बाद उसे वो लाल लाल छट्टे हो रहे हैं सर, वो खजा रहे हैं, ऐसा खजाए बाद लाल होते हैं और गायब होते हैं और होते हैं, वो खुजली बहुत हो रही है सर, उसके लाल लाल हो रहे हैं, बरस में 2 बार होते हैं सर वो, इसलिए होते हैं सर, ठीक और है। दुबला पतला भी है। 8 साल का है बच्चा मेरा। और एक सवाल है सर, मेरी बहन का ESR बड़ा हुआ है बोल रहे सर, की क्या वजह होती है सर, और क्या लेना है सर, ESR बड़ा हुआ है। ठीक है। और देखिए, ESR में नमक, जैतून और अलसी का पाउडर, अलसी को हल्का सा भून कर इसका पाउडर आधा चम्मच या 1 चम्मच खाएं, और एक चुटकी नमक जैतून दें, तो इनका ESR कंट्रोल हो सकता है। और इसका कंट्रोल होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बच्चे को जिसको चिकन पॉक्स हुआ है, तो ख़ास तौर पर उसको समझाएं, और आप भी ख्याल रखें कि खुजाना नहीं है। अगर कहीं दाने हैं और लाल हों या काले हों, तो ऐसे सहला लें। अच्छा, पानी न डालें, तेल लगा लें, नारियल का तेल लगा लें, सहला लिया करें, तो खुजली तो दूर होगी। और 1-2 दिन और रहेंगे, फिर ये अपने आप झड़ जाएंगे और आपका बच्चा अच्छा होने वाला है। मुनक्का और हुपकला दें इन्हें। मुनक्का वो होता है जिसमें बीज होता है, किशमिश जैसा होता है लेकिन उसमें बीज होता है, उसे मुनक्का कहते हैं। मुनक्का को खोलें, उसमें से उसका बीज निकाल दें, और उस जितना बीज उसमें था उतनी ही हुपकला, हुपकला एक दवा का नाम है जो बारीक बारीक दाने होते हैं, उसमें भर के फिर मुनक्के को बंद करें और देसी घी में तल के बच्चे को खिलाएं, और रोज़ाना जितना भी खा सके खाने दें। इससे उसका ये चिकन पॉक्स की बीमारी अच्छी होना मुमकिन है। महाराष्ट्र से हमारे साथ लक्ष्मी बाई जी हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप अब हकीम साहब के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आप लोग अनगिनत नुस्खे हकीम साहब के जान सकते हैं किसी भी रोग से संबंधित। और जितने भी कॉलर्स का हमने इंटरव्यू लिया है, कैसे वो खुद को सेहतमंद रखते हैं, कौन कौन से नुस्खे उन्होंने हकीम साहब के अपनाए हैं, और ऑपरेशन तक से वो बच गए हैं, और कितने लोगों की उन्होंने मदद की है, ये सभी इंटरव्यूज भी आप हकीम साहब के YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक हकीम साहब एक ही चीज बोलते हैं कि जो भी चीज वो बताते हैं, नुस्खे जैसे जैसे आपको बनाने होते हैं, चाहे वो गोंद हो, चाहे वो नमक हो, या फिर सिरका हो, हकीम साहब जिस चीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो मार्केट में नकली मिलने लगती है। तो इन्हीं सब की पहचान के लिए भी आप हकीम साहब के YouTube चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी होती है। तो YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।